हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे इस तरह का एक लाइटिंग इफेक्ट। बहुत ही इजी है, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार आपको ये ट्रिक्स पता लग गया या आपको समझ में आ जाएगा तो बाद में बहुत काम में आ सकता है ये। बहुत सारा डिज़ाइन में, बैनर में, पोस्टर में, आपका कुछ भी डिज़ाइन करते हो उसमें बहुत सारा काम में आएगा ये। तो ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे इस वीडियो के ठीक नीचे देखिए, यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको क्लिक करने के बाद ये पास में एक बेल घंटी आएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि इस तरह का लाइटिंग इफेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ। मैंने इस तरह का एक डे लाइट का फोटो लिया, लॉन का, जिसका ग्रास का फोटो है, तो आसमान भी है। इस तरह का एक लाइटिंग डे लाइट का फोटो लेना है मेरे को। फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत काम में आ जाएगा ये। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता लगेगा कहाँ से क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेरा लेयर है इसको मेरे को तीन करना है। राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट लेयर कीजिए, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल जे कीजिए। तीन हो गए, एक दो तीन। सबसे ऊपर वाला लेयर को मैं बंद कर देता हूँ। नीचे वाला जो लेयर है इसको मैं थोड़ा अंडर करूँगा। इसका कहाँ से करूँगा, यहाँ पे इमेज में एडजस्टमेंट में यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये लेवल कर्व है यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से एडिट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने इसे पहले भी बोला था, लेयर पैलेट पे एकदम नीचे देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, यहाँ से करना मेरे को। पहले मैं कर्व में गया, शैडो को थोड़ा अंडर कर दिया, हाईलाइट को भी थोड़ा सा अंडर कर दिया, इसको ओके कर दिया। फिर मेरे एडजस्टमेंट पे जाना है, फिर लेवल पे गया, फिर इसका मैं आउटपुट लेवल को थोड़ा इतना कम कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, इतना सा। चलिए हो गया, इतना सा ही करना मेरे को और कुछ नहीं करना। फिर क्या करना, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट लिखता हूँ और फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड और लंबा होना चाहिए, LIGHT। मैंने ये फॉन्ट इम्पैक्ट बोल के एक फॉन्ट है उसको मैं यूज़ किया, तो ये फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा लंबा इसको ड्रैग करके ऐसा दे देता हूँ। चलिए इतना, इसको मैं मिडिल में कर लेता हूँ। अभी इसका भी तीन बनाना है, तीन लेयर बनाना, लाइट का तीन लेयर। यहाँ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हो या तो कीबोर्ड से कंट्रोल जे बना सकते हो। तो इसको मैं इसका रीनेम करता हूँ, इसको लिखता हूँ शैडो, और इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ रेड, और इसको मैं कर देता हूँ, इसका रीनेम कर दे करके इसको इसका रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ ग्लो। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। चलिए अभी ये दो लेयर को मैं इसके ठीक नीचे दे देता हूँ। ध्यान से देखिए सॉरी फ्रेंड, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही काम का आ सकता है आपका बाद में, बहुत अच्छा ये ट्रिक्स है। तो मैंने एक से ये दोनों को मैं राइट क्लिक करके रैस्टराइज कर देता हूँ, ये दोनों को रैस्टराइज कर दिया। सिर्फ एक है मेरा टेक्स्ट मोड में है और बाकी दोनों को रैस्टराइज कर दिया। शैडो के लेयर पे जाना है मेरे को, कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक करना है, फ्लिप टू वर्टिकल कर दिया, शिफ्ट प्रेस किया, इसको ड्रैग करके नीचे लेके आया, एकदम ड्रैग करके नीचे ले आया इसके साथ। फिर राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव किया, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया, किसी एक कॉर्नर के नीचे ए और ये दोनों किसी एक कॉर्नर को पकड़ के मेरे को इस तरह से खींचना है, इतना सा खींचना है मेरे को। फिर क्या करना, फिर यहाँ पे इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्केल करना है। स्केल करने के बाद एकदम मिडिल पॉइंट पे पकड़ के इसको ऐसा लंबा में बढ़ा देना है, फिर एंटर मार दीजिए। ये हो गया शैडो, अभी रहा बाकी मेरा ग्लो। ग्लो को अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ग्लो को बंद करके रखता हूँ, ठीक है। अभी एकदम ऊपर में लेयर पर जाइए, इसमें बैकग्राउंड इसको ऑफ किया हो, इसको ऑन कर दीजिए। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इसको कर दीजिए क्रिएट क्लिपिंग मास्क, बस हो गया। फिर क्या करना, ये जो टेक्स्ट लेयर है इसके ऊपर राइट डबल क्लिक कीजिए, लेयर स्टाइल खुल जाएगा, इनर ग्लो पे जाइए, ये कलर को अप कर दीजिए व्हाइट, ओके कर दीजिए। साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए,
और ओपासिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए, जितना आपको चाहिए, जितना आपको फोटो के हिसाब से वो कर दीजिए, बस ओके कर दीजिए। अभी आपको क्या हो गया, यहाँ पे ग्लो जो लेयर था उसको ऑन कर दीजिए। ग्लो लेयर पे आइए, फिल्टर पे जाइए, ब्लर पे जाइए, रेडियल ब्लर पे आइए। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, स्पाइन और जूम। स्पाइन मतलब गोल गोल तरह से घूमेगा और जूम मतलब अंदर से बाहर तक फैलेगा। ये देखिए मैं इसको 30 दिया, ओके कर दिया। देखिए लेयर के पीछे से एक ग्लो आ गया। अब इस ग्लो को मैं 100% फिल है उसको मैं 75 कर दिया, 70 कर देता हूँ। चलिए इसको हो गया मेरा। अभी बचा इस शेडो, शेडो लेयर पे आइए, इसको ये लेयर स्टाइल पे जाइए, सीधा कर दीजिए ओवरले, कुछ नहीं करना है। फिर आप बिल्कुल शेडो लेयर के ऊपर में ही आप एक यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लीजिए, एकदम सॉरी फ्रेंड्स, एकदम नीचे से उसको इधर से एकदम जितना तक मेरा फॉन्ट है शेडो है यहाँ तक मेरा शेडो है यहाँ तक ड्रैग कीजिए। फिर आप आइए यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट कौन सा लेना है, यहाँ पे जो है आपका फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसपेरेंट वाला है उसको क्लिक कीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। फिर आप एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा, बिल्कुल इधर से डार्क से लाइट तक गया। और यहाँ पे आपका स्केल है, स्केल आप बड़ा कमा के देख सकते हो कहाँ पे आपका सही लग रहा है, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। मैं इसको 100 में रखता हूँ, फिर इसको मैं ओके कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हो ये लाइटिंग है। देखिए फ्रेंड्स और कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट लेयर को 3 करना है, बैकग्राउंड लेयर को 3 करना है, जैसे मैंने आप बताया बिल्कुल वैसा ही करते जाना। देखिए इस तरह से आपको बन सकता है ये लाइटिंग इफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है। छोटा सा वीडियो है, अगर आपको समझ में ना आए आप दोबारा देख लीजिए, एकदम इजी ट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स मैं हर रोज आपको ऐसा ही छोटा छोटा ट्रिक्स देता जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो का आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और आपके पास नया कुछ आइडिया है तो वो भी मुझे दे सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने, फिर कार मिलेंगे नया वीडियो के साथ और नया कुछ आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।